नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन के तीसरे सबसे अमीर आदमी और मशहूर बिजनेसमैन जैक मा पिछले कुछ दिनों से लापता थे, जिसके बाद उनको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन लंबे समय के बाद आखिरकार जैक मा लोगों के सामने आए हैं। बुधवार को शिक्षकों के ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को जैक मा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा से जुड़े काम कर रहे शिक्षकों की तारीफ की। काफी लंबे अरसे के बाद जैक मा लोगों के सामने आए हैं और इस बात की पुष्टि एक स्थानीय ब्लॉग और इस मामले से जुड़े लोगों ने की है। जैक मा के इस अपीयरेंस के बाद उनको लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर विराम लग गया है। दरअसल जैक मा की कंपनी अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड और एंट ग्रुप कंपनी के ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जांच शुरू होने के बाद जैक मा लापता थे, लेकिन अब वो पहली बार इस जांच के शुरू होने के बाद सामने आए हैं। चीन के स्थानीय मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने जैक मा का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक वक्त पर अंग्रेजी के शिक्षक रहे जैक मा ने 100 ग्रामीण शिक्षकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से कोरोना की महामारी खत्म होने के बाद मिलेंगे। दरअसल जैक मा ने देश के ब्याजखोर वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों के खिलाफ खुलकर बोला था और इसकी आलोचना की थी। पिछले साल अक्टूबर माह में जैक मा ने इन सरकारी संस्थानों की आलोचना की थी। उसके बाद से ही जैक मा की मुश्किलें बढ़ गई थी। पिछले 2 महीने से जैक मा लापता हो गए थे, जिसके बाद उनको लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी। जैक मा ने कोरोना से निपटने के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तरीकों पर सवाल खड़ा करते हुए इसके खराब बताया था। यही नहीं, जैक मा ने शी जिनपिंग को जोकर तक कह दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।